अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? तो आज जो है मैं अपने इस यूट्यूब चैनल प्राची एजुकेशन न्यूज़ में वेलकम करता हूँ। काफ़ी देर से मैं वीडियो नहीं बना रहा था ड्यू टू सम बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था मेरा, ठीक है। तो आज से इंशाल्लाह जो है रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियोज़ बनाऊंगा। तो ये वीडियो जो बेसिकली है ये है प्रैक्टिकल से रिलेटेड, कि आपने प्रैक्टिकल को किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या करना है, कुछ स्कीम से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दिएगा मेरी आगे आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो है प्रैक्टिकल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई आज से या फिर दो से तीन दिन पहले से जो है फर्स्ट ईयर वालों के प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं कॉलेज में होना, ठीक है। अब प्रैक्टिकल का किस तरीके से है, प्रैक्टिकल का प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि देखो, जैसे कि ये आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज है, अब जैसे कि जो इनका बॉटनी का डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे की शीट्स लगी हुई होंगी, आप इजीली कॉलेज जाएँ अपने विजिट करें, ठीक है। मेरे पास जस्ट जो है आदमजी हो गया और दिल्ली कॉलेज हो गया इनके हैं, ठीक है। आप जाएँ और जाके जो है अपने कॉलेज को विजिट करें, वहाँ पे आप जो भी डिपार्टमेंट जाएंगे वहाँ पे आपको शीट लगी हुई मिलेगी जिसमें आपको इजीली लिखा मिलेगा कि ये डेट है आपके पास, जैसे कि 21st है, ये डेट है, इस टाइम के हिसाब से ये वाले रोल नंबर हाँ विजिट करेंगे, ठीक है। जस्ट यही वाले रोल नंबर जिनका रोल नंबर इनमें लाया करता है वो जाएंगे अपना बॉटनी का जो है प्रैक्टिकल देने के लिए। उसी तरीके से ये दिल्ली का है, ठीक है। कुछ चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि भाई बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी कि इंप्रूवमेंट वाले, रिपीटर्स वाले, फिगर्स वाले क्या करेंगे, तो वो अपने कॉलेज जाएं जो उनका पहले कॉलेज था, ठीक है। अब तो वो इंप्रूवमेंट दे रहे हैं तो इंप्रूवमेंट का ऑब्वियसली बात है कि कॉलेज से ताल्लुकात नहीं होते, बट वो वाले कॉलेज जाएँ जहाँ बेसिकली जो उनका कॉलेज था और वहाँ जाकर अपने जो जो आपका बेसिकली डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका प्रैक्टिकल जहाँ फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो रहा है, उनकी वहाँ की टीचर से बात करें, ठीक है। तो वो आपको शेड्यूल्स बताएंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंप्रूवर हैं तो उन्होंने भी यही किया है, तो उनको अपना शेड्यूल्स पता चल गया। अच्छा, एक और बात इंप्रूवमेंट वालों के लिए, रिपीटर्स वालों के लिए, फेलियर्स वालों के लिए है कि आप लोग के लिए ना देखो, बेसिकली जो फ्रेशर्स होते हैं ना जर्नल्स उनको बनाने पड़ते हैं नए, ठीक है। अगर आपके कोई फ्रेंड है या फिर आपका कोई भी है दोस्त, ठीक है, उनके पास जर्नल्स हैं, उनके पास पुराने जर्नल्स पड़े हुए हैं, तो आप वो जर्नल यूज़ कर सकते हो, वरना अपने टीचर्स से कॉन्टैक्ट करो जो कि आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट करें, तो वो क्या करेंगे, वो आपको इस चीज़ में जो है बेटर गाइडेंस करेंगे कि क्या पता उनके पास कोई जर्नल्स हो, ठीक है, वरना जो है आप अपने दोस्त से ले सकते हो। वैसे टीचर्स के पास जर्नल्स नहीं होते, टीचर्स यही कहते हैं कि इंप्रूवमेंट वाले, रिपीटर्स और फेलियर्स वालों को दोबारा जर्नल्स बनाने की नहीं जरूरत होती, ठीक है, वो अपने फ्रेंड से लेकर जर्नल्स यूज कर सकते हैं, सही है। तो ये छोटी सी बात थी, बाकी इंप्रूवमेंट, रिपीटर्स एंड फेलियर्स ये सारे जो है कंबाइंड वाले, ये सब जो है अपने कॉलेज में जाएँ, ठीक है, और अपने मतलब कि अपने जो भी कॉलेज जिससे उन्होंने पहले अपना इंटर किया था, ठीक है, वहाँ जाएं और वहाँ जाके जो है अपने कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे कि अगर आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स उसमें चले जाते डिपार्टमेंट में या फिर आप केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, वहाँ जाके अपना जो है शेड्यूल मालूम कर लें, उनसे बोलें कि मैं इंप्रूवर हूँ या फिर मैं रिपीटर हूँ, ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स बेसिकली मेरा फिजिक्स का है या फिर केमिस्ट्री का है, जो भी आपका डिपार्टमेंट वहाँ चले जाएँ, केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, तो मुझे शेड्यूल बता दें, ठीक है। तो वो आपको अगर वो अगर बेसिकली अभी क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, अभी आपका शेड्यूल नहीं आया होगा इसका, और मगर ज़्यादातर मतलब कॉलेज में शेड्यूल्स आ चुके हैं, जाके आप इस तरीके से पूछ सकते हो। अब तैयारी किस तरह करनी है, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई प्रैक्टिकल्स की तैयारी कैसे करनी है। देखो यार, फिजिक्स के लिए जो है सिंपली इस बार जो बेसिकली है कोई एक्सटर्नल, मुझे नहीं लगता कि कोई आपका एक्सटर्नल जो है इन्वॉल्वमेंट होगी प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि भाई एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं, सही है। एक्सटर्नल बाहर से लोग आते हैं आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, ऐसा कोविड की वजह से बिल्कुल भी नहीं लगता, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना, तो जस्ट इंटरनल्स ही होंगे, ठीक है, जो अपने जो कॉलेज वाले जो होते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर ये है कि भाई आप लोग अगर आप लोगों को अभी तक अपने प्रैक्टिकल्स की डेट नहीं पता चली तो आप अपने कॉलेज को विजिट करें, फ्रेशर्स के बता रहा हूँ, और इंप्रूवमेंट वालों के लिए भी विजिट करें, और वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट में जाएंगे वहाँ पे आपको इस तरीके की शीट्स जो है लगी हुई मिलेंगी, अपना रोल नंबर देखें और उस हिसाब से आप विजिट कर सकते हो, सही है। ये तो हो गया, अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर। अब ये जो है बेसिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फिजिक्स का, कि आपको किस तरीके से वो प्रैक्टिकल्स आपके पूछेंगे। अच्छा, बेसिकली जो है वाइवा इतना ज़्यादा मतलब कि पूछ नहीं रहे प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, वाइवा मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास पूछ रहे हैं, तो वाइवा का हाथ हल्का रखना, जस्ट आपने ये रखना है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जी ए सिंपल पेंडुलम है, तो आप सबसे पहले ग्राफ बनाओगे, ठीक है, आप उसका मतलब कि जो बेसिकली इस लेंथ पर है वो आप चेक करोगे, उसका रिजल्ट लिखोगे, जैसे कि ऑब्जर्वेशन होती हैं, सही है, ऑब्जर्वेशन लिखा आपने, आपने चार्ट बना लिया, आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, और फिर उसके बाद जो है रिजल्ट लिख के आप अपना पेपर जो है वो सबमिट करा दोगे। अगर वहाँ पे वो आपसे बोलते हैं कि परफॉर्म करके दिखा दो, क्योंकि परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, तो आप परफॉर्म करके दिखा देना। फिजिक्स के लिए प्रैक्टिकल्स जो तैयारी करने की जरूरत है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है, जो कि ज़्यादातर टीचर्स से कॉन्टैक्ट होने के बाद जो पता चला वो है कि फिजिक्स की जस्ट स्टार्टिंग के 5 जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको अच्छे से कर लें, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स ऐसे ही मतलब कि गाइडेंस कर रहे हैं, बट फिर भी इस पर बिलीव मत करना, अपने जाओ टीचर्स के पास जाओ, उनसे जो है जो भी आपके कॉलेज के टीचर्स हैं जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास जाएँ और उनसे ये बोलें कि सर कोई इंपॉर्टेंट फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स बता सकते हैं। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट 5 प्रैक्टिकल्स हैं, इंप्रूवमेंट और इन सब वालों के लिए तो फर्स्ट 5 to 4 प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो है फ्रेशर्स वाले वो अपने पूछने जाके उनके लिए भी फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से 1 to 5, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए जो कि मुझे पता चला कि कोई भी एक प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं आपको कॉलेज वाले, कि आप उसकी तैयारी अच्छे से कर लो।
ठीक है। अब उसके लिए कोई भी एक के लिए आपको अपने कॉलेज विजिट करना पड़ेगा और वहाँ पे मतलब कि अपने टीचर से बात करनी पड़ेगी। बाकी बॉटनी और जोलॉजी के लिए जो है वो भी आपने, बॉटनी जोलॉजी के लिए मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा डायसेक्शन ये सब चीज़ें जो है हो रही हैं वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं, सिर्फ आपने सिंपली जो है वाइवा भी मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास वो पूछ रहे हैं, वाइवा बिल्कुल भी मतलब कि नहीं हो रहा और एक्सटर्नल जो है की इन्वॉल्वमेंट नहीं है ड्यूरिंग द कोविड। तो आराम से मतलब कि ये बेसिकली क्या है, ये आपका स्कीम एक तरीके से भाई कितने मार्क डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, सही है। तो ये बेसिकली मैं अपने पेज प्राची एजुकेशन न्यूज़ पे भी अपलोड कर दूंगा, अभी आप चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो वो हैं जो आपके मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई ये आपका बेसिकली जो है आप नोट डाउन करोगे होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, डायग्राम बनाओगे कितने नंबर का होगा, रिकॉर्ड करोगे तो वो कितने नंबर का होगा, ये सारी चीज़ें, सही है। ये बेसिकली क्या है, ये आदम जी का बेसिकली जो है जूलॉजी डिपार्टमेंट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो इस स्टेट को ये रोल नंबर वाले हैं, आप लोग इजली जाकर कर सकते हो। और ये बेसिकली क्या है, ये आपका देखो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, ठीक है, इस तरीके से, सही है। उसके बाद ये है, सही है। ये पूरा जो है ना मार्क्स स्कीम है फिजिक्स पार्ट वन की, कि भाई इतने मार्क्स का आपको ये लिखोगे तो इतने मार्क्स मिलेंगे, ये लिखोगे तो आप इतने मार्क्स, रिजल्ट लिखोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा। रिजल्ट का बेसिकली हमेशा एक नंबर ही होता है, ठीक है। रिजल्ट आप करोगे तो उसका एक ही नंबर होगा, ज्यादा जो नंबर होते हैं ना वो आपके कैलकुलेशन के होते हैं, जो आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसके ज्यादा नंबर होते हैं, ठीक है। और ये है आप टोटल 11 प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो वाइवा मेरे हिसाब से इतना कोई खास हो नहीं रहा, बट फिर भी आप अपने कॉलेज को विजिट करो, मुझे लगता है कि वाइवा लिए जा रहे हैं। एक्सटर्नल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। अभी तक मुझे जो पता चला एक्सटर्नल की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। थर्ड थिंग इज दैट कि भाई इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिकल्स है फॉर माई परस्पेक्टिव इंप्रूवमेंट वाले हों या फिर फ्रेशर्स हों, फिजिक्स के लिए स्टार्टिंग के फाइव जो बेसिक प्रैक्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइव जो प्रैक्टिकल्स हैं 1-5। और केमिस्ट्री के लिए अगर आप टीचर से अच्छे कोऑर्डिनेशन करते हो, बातचीत करोगे टीचर से, क्या विजिट करो अपने कॉलेज और टीचर्स के पास जाओ, केमिस्ट्री वाले टीचर से आ जाओ, तो क्या पता वो आपको एक प्रैक्टिकल कोई भी इंपॉर्टेंट बता, ठीक है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स थे वो गए थे तो उनको कोई एक प्रैक्टिकल उनको गाइड कर दिया था, ठीक है। तो वो उसकी तैयारी करके गए थे, क्योंकि मैं सेकंड ईयर वालों का बता रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर वालों के जो प्रैक्टिकल्स हैं बेसिकली वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको सिंपल चीज़ ये है कि भाई आप अपने कॉलेज को विजिट करो, इंप्रूवमेंट फेलियर्स वाले जो है जो कॉलेज आपका पहले था वहाँ जाएं, और वहाँ जाकर जो भी डिपार्टमेंट है आपका केमिस्ट्री फिजिक्स वहाँ विजिट करके आपका कोई भी सब्जेक्ट है जो आप इंप्रूव कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री और या फिर बायो, तो आप वहाँ विजिट करो। और उसके बाद वहाँ टीचर से कोऑर्डिनेशन करो, उनसे पूछो कि आपके प्रैक्टिकल्स की डेट्स कब तक आएंगी, तो आपको बता देंगे। बाकी फ्रेशर्स वाले जो है उनकी डेट्स जो है उनके डिपार्टमेंट के जो लैब्स होती हैं लैब्स के अंदर लग जाती हैं कि भाई ये रोल नंबर से ये रोल नंबर, आप अपने कॉलेज जब विजिट करोगे तो आपको मिल जाएगा, सही है। तो ये कंप्लीट पूरी डिटेल्स थी भैया, वाइवा इतना कोई खास पूछा नहीं जा रहा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी थ्योरीज पे ध्यान दो, ठीक है। प्रैक्टिकल्स का परफॉर्मेंस आनी चाहिए और दैट्स इट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थोड़ा सा यार मैं भी इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ तो लाइक का एम रख लेते हैं कुछ, कि भाई टोटल 70 या 60 लाइक कर देना यार, इतना प्यार तो दिखाई दो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।